सुपौल के पिपड़ा थाना क्षेत्र में कॉलेज से पढ़कर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी करने एवं अपहरण करने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में अभिभावक एवं ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जहां इस घिनौनी कृत के खिलाफ मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे 76 को घंटों जाम किया गया एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। और जब हम लोग फ्रांक में रास्ते में बीच रास्ते में पकड़ा गए तो बोला बाइक बाइक पे बैठो, हम लोग बोले नहीं बैठेंगे आप अपने काम से काम रखो। उसके बाद बोला तुम्हें सोरिया रोए हो क्या, तो हम बोले हम कुछ भी हैं आप अपने काम से काम रखो। उसके बाद चला गया, फिर रिटर्न होके आया और फिर मारने लगा। घटना बराबर की घटना है, प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ वहाँ अनहोनी होते रहता। शासन बहुत विलम्ब से आया यहाँ, प्रशासन को जब सूचना दिए उसके लगभग पौने घंटा के बाद प्रशासन वहाँ पहुँची। 500 मीटर की दूरी पे यहाँ फाड़ी है, लेकिन फाड़ी करने के बाद भी लोग लगभग पौने घंटा के बाद पहुँचा। दरअसल मामला पिपरा थाना क्षेत्र के फसिया गांव से गुजर रहे मुख्य मार्ग की है, जहां क्षेत्र कॉलेज से पढ़कर घर वापस लौट रही दो छात्राओं को पल्सर पर सवार रहे दो अपराधियों ने काफी दूर तक पीछा किया और फिर सुनसान रास्ता मिलते ही दोनों को रोककर पहले उसके साथ छेड़खानी की, फिर अपहरण की नियत से दोनों को बाइक पर बिठाने की कोशिश करने लगे। वही छात्राओं ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे बेल्ट से पीटने लगा। इस दौरान किसी तरह छात्राओं ने मदद के लिए आवाज लगाई, वही आवाज सुनकर कुछ दूर में रहे चरवाहे ने मदद के लिए उसकी ओर झपटा, जहां लोगों को आता देख दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। वही घटना की जानकारी जैसे ही अभिभावक एवं ग्रामीणों की मिली, सभी ने मुख्य मार्ग SH76 को घंटों जाम कर दिया और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जहां बाद में पिपड़ा पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने एवं दोषियों पर संतोषजनक कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने पर जाम तोड़ा गया। इस घटना पर पिपरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि हम मामले की छानबीन कर रहे हैं, जहां बहुत ही जल्द अपराधी हमारे गिरफ्त में होगा। सुपौल से रियाज खान के साथ viewersnews.com की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।